पिछले दिनों पप्पू यादव का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो मधेपुरा में यादव महासभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन मंच से अचानक भड़क कर भागने का पप्पू यादव का वीडियो वायरल हो गया और खबर ये चर्चाओं में आ गई कि लालू जिंदाबाद का नारा सुनकर मंच से पप्पू यादव बिदक कर भाग गए। अब इस मामले में पप्पू यादव ने सफाई दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल वो लालू जिंदाबाद का नारा सुनकर नहीं भड़के थे बल्कि एक आदमी की नादानी की वजह से माइक फेंक कर भागे थे। एक लड़का को प्रमोट करके नारा, लालू जी के नारा, हमने तो उनको कहा कि आप अच्छी बात है आप नारा लगाओ और मैं नारा लगाता हूँ, मुझको क्या दिक्कत है। लालू यादव का नारा तो मैं चाहता हूँ कि आप लगाओ, दिल से लगाओ, लेकिन जब मैं बोल रहा था और आप आगे आके सिंगल आदमी आकर के आप, जब मैंने उनको तीन बार चार बार कहा कि आपको समझना चाहिए मैं बोल लूं उसके बाद आप करिए, साजिश लग रहा था कई सारे, मैं इस सब चीजों में नहीं जाता हूं, मैं इतना जानूंगा कि वो ना समझ था। दरअसल पप्पू यादव कभी लालू के बड़े खास हुआ करते थे। लालू और पप्पू दोनों यादव समाज से आते हैं, ऐसे में लालू का नाम सुन भिदकने पर पप्पू यादव की बड़ी किरकिरी हो रही थी, इसलिए पप्पू को खुद सामने आकर मामले पर सफाई देनी पड़ी। बता दें कि यूं तो पप्पू यादव खुद को लालू का शागिर्द मानते हैं और अक्सर लालू का सम्मान करने का दावा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को हर बार लालू परिवार से ज्यादा यादवों का हितैषी साबित करने की कोशिश भी करते हैं। यादव महासभा में तेजस्वी लालू के नहीं आने पर भी पप्पू ने लालू परिवार को घेरा। हमारा फोटो कहीं नहीं लगाया तब भी मैं आया, मैंने तो नहीं कहा मेरा फोटो आप लगाइए, मैंने सभी लोग जा करके लालू यादव जी से मिले, तेजस्वी जी से मिले, क्यों नहीं आए, क्यों यादव महासभा में नहीं आए। मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ, सिंगल में आया, हम सारे कामों को छोड़ के आए और आप पप्पू यादव का खून एक ही ना हो, विचारधारा अलग हो सकती है, तो विचारधारा तो भाई भाई में अलग होता है। खैर, दो बड़े यादव नेता की ये सियासी लड़ाई चर्चा में है, देखना होगा तेजस्वी के जनता में बढ़ते प्रभाव के बीच पप्पू आगामी चुनाव में अपनी सियासी जमीन कितनी बचा पाते हैं। मधेपुरा से संवाददाता मुरारी की रिपोर्ट आप देख रहे थे।